अलाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2018 के नीट के एग्जाम में पूछा गया एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन. इट सेज द बॉडी इनिशियली एट रेस्ट and sliding along a frictionless track from the height h as shown in the diagram just completes a vertical circle of diameter AB is equal to D. हमें बताना है कि इसकी height कितनी होगी. Now ये interesting question इसलिए because इसमें दो chapter के concepts apply हो रहे हैं, work by energy और vertical circular motion. Now situation कुछ इस प्रकार है कि ये हमारा inclined plane है, let's say angle theta है, ये एक particle यहाँ से move करना start किया है और अपने को ये बताना है कि इसकी हाइट h क्या होगी और वो पार्टिकल जब इस लोकेशन में पहुंचा जो कि इसकी बॉटम मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पे उसने एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट किया है और वर्टिकल सर्कल का अपने को डायमीटर दिया हुआ है. लेट्स से इसका रेडियस r है, सो डायमीटर वी कैन ऑलवेज से विल बी इक्वल टू 2r या फिर r विल बी इक्वल टू d/2. नाउ वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए, जस्ट कंप्लीट करने के लिए इस लोकेशन पे अपने को वेलोसिटी चाहिए, v मिनिमम की वैल्यू होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5gr. इसको d के टर्म में लिखें, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 5g d/2. ये मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे होएगी तभी पार्टिकल अपना वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाएगा. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 है, वर्क डन बाय सूडो फोर्स 0 है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस 0 है बिकॉज फ्रिक्शनलेस सरफेस है. इस केस में हम बड़े आराम से इजीली अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं. तो व्हाट दैट मीन्स इज कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. नाउ अगर आप इस लोकेशन पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माने तो इस लोकेशन पे हम पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वैल्यू लिख सकते हैं mgh. सो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल mgh, काइनेटिक जीरो बिकॉज रेस्ट से चालू हुआ है. जब वो इस लोकेशन पे पहुंचेगा, यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है, प्लस यहाँ पे जो एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी वो होगी 12mv². सो बेस्ड ऑन दिस मास विल mm मास ऑन बोथ साइड विल गेट कैंसल, ये कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू हो गई v² / 2g. अब ये वाली वैल्यू अगर v की हम वहाँ से अंडर रूट 5g/2 डाल दें v की वैल्यू, सो इट विल बी अंडर रूट 5g d/2 × 2g. g अगेन फिर कैंसिल हो जाएगा, सो अपना आंसर आ गया 5d/4. सो ये अपनी फाइनल वैल्यू हो गई. सो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो गया.